हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं लेके आई हूँ वर्मा करेले की रेसिपी। तो कैसे बनेंगे, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही करेलों को नमक लगा के छील के अच्छे से रख दिया था और इनको अच्छे से सिंपल पानी से वॉश कर लिया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो आमी ले रखी है, कच्ची आमी, और यहाँ पर बड़े साइज़ के मैंने चार प्याज लिए हैं जो कि मैंने पहले से ही छील के रख लिए हैं। तो अब इनको बारी आती है कद्दूकस करने की। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस भी कर लिए हैं प्याज को और आमी को, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी करेले के जो बाहर का छिलका है ये, और थोड़े से बीज हैं करेले के, पके हुए बीज हों करेले के तो उनको निकाल देना है, वो मत डालना। तो यहाँ पर मैंने डाला है बीज और करेले का छिलका। तो इसके बाद अब बारी आती है इसमें मसाला डालने की। तो यहाँ पर मैं डालूँगी अब इसमें मसाला, मैं डालूँगी एक चम्मच हल्दी, इसके बाद मैं डालूँगी एक चम्मच लाल मिर्च, इसके बाद मैं डाल रही हूँ डेढ़ चम्मच धनिया। तो डालते हैं। इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखना है, कम या ज़्यादा खाते हो उस हिसाब से। तो अब डालने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ मिक्स। तो मसाले को प्याज और आमी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब मैं इसमें डाल के इसको अच्छे से एक दो मिनट के लिए भून लूँगी। तो सारा डाल लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनूंगी। एक बात का ध्यान रखना है, इसको लगातार चलाते हुए ही भूनना है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुन चुका है। अब मैं निकाल रही हूँ इसको प्लेट में। तो निकालते हैं प्लेट में इसको। फिर आप देख सकते हैं धुआं भी निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही मैं इसको करेले के अंदर भरूँगी। तो होने देते हैं ठंडा। तो अब हो चुका है ठंडा, इसके बाद अब मैं भर रही हूँ। तो मसाले को मैं एक एक करके सारे करेलों में भर दूँगी। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो सारे करेले भर चुके हैं, बाकी का थोड़ा सा मसाला बच चुका है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था जो कि अब गर्म हो चुकी है। मैं डालूँगी जीरा। तो जीरे को पकने देते हैं, अच्छे से काला होने देते हैं। तो अब हो चुका है काला। तो अब मैं एक एक करके सारे करेलों को इसके अंदर डाल दूँगी। तो देख सकते हैं आप, एक एक करके मैंने सारे करेले को डाल दिया है। उसके बाद जो बाकी का मसाला बचा हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले को डाल दिया है। इसके बाद अब मैं इसको ढक के पकाऊँगी। तो बीच बीच में देखते रहना है, करेलों को बीच बीच में चलाते रहना है। तो अब मैं दो मिनट के बाद देख रही हूँ करेले का क्या हाल है। तो फिर देखते हैं, चलाते हैं। देखो धीरे धीरे पक रहे हैं, ये अच्छा कलर आ रहा है। तो इसको बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहना है। तो अब मैंने चला दिया है इसको, मैं दोबारा से इसको ढक दूँगी। अभी अच्छे से पके नहीं है तो इनको अभी मैं पकने दूँगी। तो ऐसे ही मैं करेले को लो फ्लेम पे ढक के पकाऊँगी। तो करेले को पकने देते हैं, कम से कम 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं करेले बनके तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना